सुपर एट की क्वालिफाई कर गया है, हालांकि जी फॉर्म में खेल रही थी कि फर्स्ट फॉर्म में खेल रही थी। अब यहाँ पर नीदरलैंड और श्रीलंका के साथ जो मैच चल रहा है, नीदरलैंड का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ना पॉइंट्स में भी आगे हो गई है जी और नेट रन रेट भी उनका काफी ज्यादा बेहतर मतलब अगर नीदरलैंड के सामने 200 रनों का टारगेट है, वैसे स्कोर फिलहाल 74 पर 6 है। अगर यहाँ से कोई चमत्कार भी नीदरलैंड को मैच जिता देगा तो भी वो सुपर एट के लिए क्वालिफाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। सुपर एट की 8ों टीमें अब हमारे सामने हैं, और जो सस्पेंस था कि टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला सुपर एट में 22 जून को किसके खिलाफ खेलेगा, अब वो भी क्लियर हो चुका है। टीम इंडिया बांग्लादेश से भिड़ेगी, नजमुल हुसैन संटो की टीम भिड़ेगी रोहित शर्मा की टीम से। और बांग्लादेश की अगर बात करें, 4 लीग मैच खेले, 3 जीते, केवल 1 में हार का सामना किया। श्रीलंका को 2 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये टीम 4 रन से हार गई। वहां पे बांग्लादेश ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन बल्लेबाजी काफी खराब रही। वेस्ट इंडीज ने एक तरफा मुकाबले में नीदरलैंड को 25 रन से हराया, और आज 106 रन इस टीम ने डिफेंड किया है। नेपाल को 21 रनों से बांग्लादेश ने हरा दिया है। अब इस टीम का सामना होगा सेंट लूसिया के मैदान पर टीम इंडिया के साथ। बहुत तरीके से हमने भी हैं और कंडीशंस भी रही हैं, थोड़ी सी फेवर में नहीं रही है बल्लेबाजी से। उसके बाद भी अच्छी बल्लेबाजी करता ना, सुपर एट क्वालिफाई करता ना, बहुत बड़ी बात होती है। बांग्लादेश टीम जो सुपर एट क्वालिफाई कर गया है। अब बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी जो है फीकी सी नजर आई है यहाँ पर नेपाल की टीम की। उतनी अच्छी बल्लेबाजी आई थिंक रही भी नहीं है बांग्लादेश टीम की, लेकिन वही होता है कि मैच को जीती है, वही बड़ी बात है। इस टीम के पूर्व कप्तान, इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसपे चल के रन आउट हुए। 22 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए हैं। स्ट्राइक रेट 78 का भी नहीं है, काफी खराब बल्लेबाजी है। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि गेंदबाजों का जलवा देखने को मिला, बल्लेबाज लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। सजीद हसन पाकिस्तान बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गोल्डन डक पर आउट हुए। पहली गेंद पे बिना खाता खोले अपना विकेट गंवाया। बात अगर करें तनजीम हसन शकीब की, इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। 4 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट, इकोनॉमी 2 से भी कम का है, इसको कहते हैं गेंदबाजी। और इस पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है। बात अगर तस्कीन अहमद की करें, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 18वें ओवर में 1 विकेट लिया था, आखिरी बॉल पे कुशल मल्ला था। 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट इनके खाते में, 7.5 से भी कम की इनकी इकोनॉमी देखने को मिली है। लगातार प्रभावित करते आ रहे हैं दीपेंद्र सिंह एरी, ये नेपाल को मैच जिता सकते थे। 31 गेंदों में 25 किए स्ट्राइक रेट 81 का है, 2 चौके 1 छक्का, इनको मैच जिताना चाहिए था, क्योंकि तो वो खिलाड़ी है जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा भी किया है। और इनके नाम T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक 9 गेंदों में उन्होंने छक्के लगाई थी। आज इनको एक कारनामा करना चाहिए था, मैच जिताना चाहिए था। रिटन दास बांग्लादेश के अनुभवी प्लेयर माने जाते हैं, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। 12 गेंद पे प्रदर्शन करे सामने वाली टीम जो है वो आपसे कहीं ज्यादा बेहतर भी है। अगर बात करें यहाँ पर भारत का जो मुकाबला होगा अफगानिस्तान का भी, अखिल वहां पर भी भारत का जो डंका है वो कहीं बेहतर है टीम इंडिया का जो है। जितने भी मैचेस में T20 आई थिंक पहला ही मैच खेला जाएगा उस मैदान पर T20 जी वर्ल्ड कप हाँ, का। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का बारबाडोस में टीम इंडिया को अपना मैच खेलना है। ये मैच होगा अफगानिस्तान से, और बारबाडोस काफी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि 29 जून को टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, वो बारबाडोस के मैदान पे ही होना है। यानी कि ये मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टीम इंडिया का शेड्यूल हमारे सामने है, पहला मैच अफगानिस्तान से होगा 20 जून को, फिर बांग्लादेश से 22 जून को एंटीगा में, और फिर सेंट लूसिया में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। 24 जून को एक आटे की टक्कर होने वाली है। अब सुपर एट में टीम इंडिया को 3 में से कम 2 मैच जीतने पड़ेंगे, और दोनों ही बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया का जो रास्ता है सेमीफाइनल का वो क्लियर हो चुका है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बताइए ऐसे अभी फॉर्म देखी हुई थी या न्यूयॉर्क में बल्ला नहीं चला, बल्लेबाजों को बोल बाला नहीं रहा है, क्या वेस्ट इंडीज में बोल बाला देखने को मिलेगा बल्लेबाजों की? विराट कोहली उनके फेवर में नहीं थे और वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ पर वेस्ट इंडीज में थोड़ी सी ज्यादा बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, मे भी अच्छा प्रदर्शन करे विराट कोहली रोहित शर्मा। और हमने देखा भी है कि जब से वो ओपन किया गया है वो फॉर्म नजर नहीं आई है, पर विराट कोहली जो है वो अच्छा स्टार्ट दे, क्योंकि जब वो स्टार्ट देते हैं तो फिनिश भी अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ तो बाकी के बैट्समैन पर भी नजरें होंगे, सूर्य कुमार यादव एक मैच पे, वो लास्ट मैच था अमेरिका के साथ वो पारी खास तो नहीं थी लेकिन फिर भी आपने मैच को जिताया तो वो बड़ी बात है, और उस पिच में उस टफ कंडीशन में आपने मैच को जिताया ये बहुत अच्छी बात है। अब देखना जी होगा कि वेस्ट इंडीज में किस तरीके से प्रदर्शन टीम इंडिया करती है, क्योंकि इस मैदान पर आई थिंक T20 का जो मैच है वो पहली दफा खेला जाएगा, इससे पहले भी टेस्ट मैच खेले गए वहां पर, और वहां पर टीम इंडिया का
मीटर 2 बार हारी है इसको। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हार का सामना करना पड़ा था, और एक वेस्ट इंडीज के साथ ही आ रही थी अर्थिंग को। इसी मैदान पर जो कंडीशन है, फॉर्मेट अलग है, लेकिन फिर भी आपने वहां पर हार मिली आपको उस मैदान पर। तो यहाँ पर किस कंडीशंस में क्या आपको लगता है कि क्या टीम इंडिया का जो मैच है अफगानिस्तान के साथ है, वहां पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो बहुत ज्यादा। पलड़ा भारी, क्योंकि अफगानिस्तान को भी आप हल्के में नहीं लेंगे। अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में काफी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है, वो टीम नंबर टॉप पे चल रही है अपने तीनों पॉइंट्स टेबल मैचेस में। जीत के आए, तीनों मैच जीते, तीनों मैच एक तरफा जीते हैं, और टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, युगांडा को हराया, न्यूजीलैंड को हराया है, और उम्मीद है कि आज वेस्ट इंडीज को भी ये टीम मात देगी। इनका मुकाबला जो वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला है, लेकिन तारीफ बनती है। लेकिन टीम इंडिया, मैं फिर भी कहूँगा कि और फेवरेट है उस बोला मैच को जीतने के लिए। थोड़ा पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी रहेगा, और टीम इंडिया लाइक टू लाइक आराम से वो मैच जीत जाएगी। ओपनिंग पोजीशन को लेकर मुझे कितने कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, लेकिन ठीक है, इस तरीके की कंडीशन थी, पिच थी, कोई भी बल्लेबाज वहां पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, किसी के लिए इतना आसान नहीं था। विराट कोहली वेस्ट इंडीज में जरूर रन बनाएंगे, लेकिन बात अगर वापस लौटे नेपाल के मैच पर, नेपाल को ये मैच जीतना चाहिए था। नेपाल की टीम इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला, गेंदबाजों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये मैच 21 रन से टीम हार गई है, आपका टारगेट था। लेकिन यही टीम को अगर अगले 10 सालों बाद आप देखोगे ना, ये वाकई में टीम काफी आगे नजर आएगी, अच्छा क्रिकेट भी खेले। बिल्कुल अच्छा क्रिकेट भी खेले। और जब बात करें यहाँ पर फॉर्म की, तो फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम की तरह से दिख रही है। बल्लेबाज जो है वो खराब रही है, उम्मीद है कि टीम बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। अब वहाँ के कहा जाता है कि थोड़ी ये स्ट्रगल हो बात रही है, और जब हमने देखा है कि वहाँ पर न्यूयॉर्क जो है वो तेज गेंदबाजों को खेल, और कोलवाला भी तेज गेंदबाज को देखने को मिला है। बल्लेबाजी जो है वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि दिख रही है, और पिचेस भी नहीं थी तो शायद वहां पर खेलना भी लोगों के लिए उनके लिए थोड़ा टफ था। वेस्टइंडीज के मैदान पे किस तरीके से बोल वाला देखने को मिलता है वो बड़ा दिलचस्प होगा। बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैच 22 होगा, और 24 को ऑस्ट्रेलिया, जो कि मतलब T20 वर्ल्ड कप तो में बदले की तो लड़ाई होने वाली है इनके बाद। बिल्कुल बदले की लड़ाई जो साल 2023 में हम वर्ल्ड कप हारे थे, जो लड़ाई है वो डेफिनेटली टीम इंडिया चाहेगी कि यहाँ पर इंडिया को हरा दिया जाए। बट वही चीजें होती है कि क्या यहाँ से मैच जो है वो टीम इंडिया के फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा, ये प्लेइंग 11 जब आएगी तब थोड़ा सा पता चल पाएगा। लेकिन वही है कि शायद यहाँ पर टीम इंडिया थोड़ी सी बेटर नजर आ रही है। ओपनिंग आपकी अच्छी देखने को नहीं मिली, कई सारी चीजें आपके फेवर नहीं थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्पेशली गेंदबाज जिस तरीके का परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, वो काफी अच्छी चीज रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि टीम इंडिया किस तरीके से टैकल करेगी अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाला मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से टीम इंडिया हराती है, मजा आएगा। देखिए यार, हर बार मेरे को तो बात बजा रहा था, 19 नवंबर हम जीता जिताया मैच हार गए थे, हमको मैच जीतना चाहिए था, फाइनल टीम इंडिया को जीतना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, ये चीज हमारे हाथ में नहीं थी, कोई बात, अब बदला लेना हमारे हाथ में, और हम बदला लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा भी है कि